नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट अपडेट्स में आज की वीडियो में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में नई वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बता दें कि गुड न्यूज़ आ गई है किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छी खबर होती है जब भी यहां पर नई वैकेंसी अनाउंस की जाती है आप लोगों को हमने कई बार बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बेरोजगारी में सबसे टॉप पर चल रहा है जिसके चलते गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रेशर में आई उसमें यहाँ पर दस हज़ार पोस्टें पिछले महीने रेफर की थी और जहां पर अठारह हज़ार पोस्टें जी को रेफर कर दी गई है जन कि जी ने जेकेएसएसबी और आपको क्लियर करवा दें कि जे के पी एस सी को गजस्टर्ड और नॉन गजस्ट पोस्टें जहाँ पर रेफर कर दी है एक बड़ी अपडेट्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट्स है आप लोग टॉप सोर्सेज टॉप मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस नजर को देख सकते हैं बाकी आप लोगों को बता दें कि इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का है कि इसमें उम्र क्या रहेगी कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकेगा इसमें क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है और डिपार्टमेंट इसमें कौन कौन से हो सकते हैं आपको बता दें कि इस समय जो जे कैसे एस का जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी हो गया है जेके पी एस सी को रेफर की है आपको क्लियर करवा दें कि ये पोस्टें दसवीं पास बारहवीं पास और ग्रेजुएशन पास अलग अलग टाइप की पोस्टें होंगी आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा आपको बता आप दें कि पीछे जो एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ था आप लोगों को बता दें कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को जो बिल्कुल टाइम की पोस्ट रेफर की है इस बार क्योंकि अभी जस्ट दो हज़ार की जो पोस्ट है और 22 अभी स्टार्ट हुआ और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव के पास जो पोस्टें पहुंच चुकी हैं और जल्द ही जे जे के पी एस सी और जे के एस एस बी सर्विस को सेंड की जाएगी उसके बाद एग्ज़ाम कैलेंडर दोस्तों जारी कर दिया जाएगा आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा आपको पहले ही बता दें कि जूनियर असिस्टेंट्स के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं जिनका एग्ज़ाम बीस से सा स्टार्ट है तो आपको बता दें कि जहाँ पर जेके एस एस बी सब इंस्पेक्टर का यहाँ पे उनका भी एग्जाम जो है वो पंद्रह तारीख से स्टार्ट है बट बत आपको बता दें कि इसमें जो पोस्टें हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट्स में भी पोस्टें हो सकती हैं अभी तक जहां पर मेंशन नहीं किया गया इसमें आप लोगों को बता दें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होंगे जल शक्ति डिपार्टमेंट्स होंगे इसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स होंगे शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स होंगे आप लोगों को बता दें कि तमाम जितने भी सिविल जो सिविल डिपार्टमेंट होते हैं जैसे सेक्ट्रेट वग़ैरह सिविल जितने भी मैगमे हैं उन सभी की जहाँ पर पोस्टें होंगी मेल और फीमेल्स के लिए अठारह से लेकर चालीस साल तक उम्र होगी और रिलैक्सेशन वगैरह जो भी होगी वो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो है वो अप्रैल के महीने बाद आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि जुलाई महीने तक यानी कि मार्च अब मार्च के बाद आपका जैसे फॉरेस्ट गार्ड का ये जो पीछे फॉरेस्ट गार्ड एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट्स के इनके एग्ज़ाम जो है वो लगभग मार्च के एंडिंग तक कंप्लीट हो जाएंगे जेके का प्रोसेस जो है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है उसके बाद जेके एस दोबारा री एडवर्टाइजमेंट करता स्टार्ट कर देगा इसलिए अगर आप लोग आज ही पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पढ़ाई बहुत काम आएगी जे जो दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो मेन रहेगा वो रिटर्न पर रहेगा आप लोग अपनी करंट अफेयर और आप लोग करंट अफेयर के साथ साथ अपनी बेसिक नॉलेज इंप्रूव करें जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है दो में कोविड लॉकडाउन बड़ा सिस्टम है स्कूल कॉलेज बंद हैं अब लोग एक टाइम टेबल फिक्स करें एक स्टैंडर्ड फिक्स करें मोबाइल का भी इस्तेमाल करें काफ़ी बच्चे गेम वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं जो भी उसका एक टाइम टेबल जैसे शेड्यूल सिस्टम आप लोग तैयार करें ताकि आप लोग पढ़ाई भी करें पढ़ाई के साथ कॉलेज वगैरह की पढ़ाई के साथ साथ एक आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए स्पेशली दो घंटे रहें रखें जरूरी चाहे वो सुबह के टाइम हो चाहे वो इवनिंग के टाइम दोस्तों तो अगर आप एक टाइम टेबल बनाएंगे तो दो में आप लोगों को जॉब मिल सकती है अठारह वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है बट गवर्नमेंट लारे भी लगाती है कई बार वैकेंसी नहीं निकालती बट इस बार नजर रखेंगे अगर इन्होंने ये वैकेंसी नहीं निकाली हम लगातार यहाँ पर वीडियोस डालते रहेंगे हाई हाईलाइट करेंगे इशू को और प्रोटेस्ट तक की भी हम बात करेंगे बाकी हम लगा हर काम आपको अपडेट्स करना है गाइड करना है जानकारी बताना है बाकी तमाम बच्चों को पता ही चल क्या है ऑलरेडी ऑल द बेस्ट मिलते हैं कोई और नई वैकेंसी में नए अपडेट्स कहा जो स्टूडेंट पॉइंट डिफेंस पॉइंट ये चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर ले हमेशा ऑफिशियल अपडेट्स पाने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आप दसवीं पास है बारहवीं पास है या ग्रेजुएशन है अल...